जी फ्रेंड्स, अब जानते हैं थर्मल बिहेवियर ऑफ पॉलीमर मेल्ट। इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थर्मल बिहेवियर ऑफ पॉलीमर मेल्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि जब किसी मटेरियल को, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल या थर्मोसेट मटेरियल को भी ले सकते हैं, को हीट गर्म करते हैं तो वह मटेरियल पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, और जब उसको हम ठंडा करते हैं तो वह कठोर हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले उसको, उस प्लास्टिक को पिघला के और मोल्ड या डाई में उसको फीड करते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। यह प्लास्टिक की एक अपना गुण होता है कि उसको, थर्मोप्लास्टिक का, उसको गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा और ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, पॉलीमर को हीट गर्म किया जाता है किसी भी वस्तु प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। कोई भी पॉलीमर, कोई भी प्लास्टिक मटेरियल ऐसा नहीं है कि उसको बिना गर्म किए उसको हम कोई प्रोडक्ट बना लें। पहले प्रोडक्ट बनाने से पहले उसको गर्म करना ही पड़ता है। तो ये थर्मल बिहेवियर जो होता है यही होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।